हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आज चीना इन द किचन में बन रहा है गर्मा गर्म सूजी का हलवा। और ये सूजी का हलवा सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी मूंग की दाल के हलवे को टक्कर देने वाला है। और ये वीडियो खास है उन फ्रेंड्स के लिए जिनकी अभी अभी शादी हुई है या होने वाली है। अगर आपको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है तब भी आप इस हलवे को बिल्कुल परफेक्टली बना पाएंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो में आपके लिए बिल्कुल सही नाप लेकर आई हूँ हर चीज़ का। तो सही नाप रखने के लिए कोई भी एक साइज़ की आप कटोरी ले लीजिए, जिससे हम घी, चीनी, पानी और सूजी का नाप लेंगे। यहाँ पर हम हलवा बना रहे हैं आधी कटोरी सूजी का, तो हम आधी कटोरी सूजी के लिए आधी ही कटोरी घी लेंगे और आधी ही कटोरी चीनी लेंगे। पानी का नाप मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो यहाँ पर हम आधी कटोरी सूजी के लिए आधी कटोरी घी को अच्छे से कढ़ाई में गरम करेंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम उसी घी में ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेते हैं। सूजी के हलवे में काजू बादाम फ्राई किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो सबसे पहले हम काजू बादाम को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है और एक कटोरी में निकाल के अलग से रख देंगे। इनको अभी हम लास्ट में यूज़ करेंगे हलवे में, हलवा बनाने के बाद। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म पहले से ही था, इसमें हम आधी कटोरी सूजी डाल देते हैं। जितना हमने घी लिया उतनी ही हमने सूजी ले ली। और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर हम सूजी को थोड़ा सा भूनेंगे, तो थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहिएगा सूजी को, जिससे कि सूजी नीचे से लग नहीं जाए या फिर जल नहीं जाए। और यहाँ पर जो हम सूजी का हलवा बना रहे हैं उसको हम पीले रंग में बना रहे हैं, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस हलवे का। तो इसमें यहाँ पर हमें सूजी को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। जो ब्राउन कलर का सूजी का हलवा बनता है उसमें हम सूजी को काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन करते हैं और काफ़ी देर लग जाती है उसे भूनने में, हलवा बनाने में भी थोड़ी देर लग जाती है। तो इस हलवे की खास बात यहाँ पर ये रहेगी, इसको बनाने में तो देर नहीं लगेगी लेकिन इसका टेस्ट वाकई में ही मूंग की दाल के हलवे को टक्कर देगा। हमारे घर में सबको बहुत पसंद आता है ये हलवा, और जब भी मैं किसी बाहर वाले को, बेसिकली किसी गेस्ट को सर्व करती हूँ, तो लोग पूछते हैं कि ये मूंग की दाल का हलवा है या सूजी का हलवा है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सूजी को फ्राई करना है सिर्फ 4 से 5 मिनट तक, और वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट आप घड़ी में देखकर इसको इस तरह से फ्राई कर लीजिए, सूजी को भून लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और सूजी का रंग ब्राउन नहीं हुआ है, पर हाँ हल्का सा, बहुत ही हल्का सा वाइट से बदल करके ऑफ वाइट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर येलो कलर ऐड करेंगे, येलो फूड कलर। आप चाहे तो यहाँ पर येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं या फिर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कई बार हमें व्रत के लिए बनाना होता है तो हल्दी ऐड कर लीजिए यहाँ पर। डोंट वरी, हल्दी की बिल्कुल भी महक नहीं आएगी, क्योंकि आप भूनते हुए ही हल्दी को ऐड कर देंगे तो हल्दी जो है अच्छे से सूजी के साथ भून जाएगी, तो हल्दी की भी महक नहीं आएगी। आज मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड किया है। अगर आप हल्दी ऐड करेंगे तो लगभग 3 से 4 चुटकी ऐड कीजिएगा, अगर आप उतना ही नाप हम लोग कलर के लिए रखेंगे, फूड कलर के लिए रखेंगे। तो जितनी हमने यहाँ पर सूजी ली थी उतना ही घी और बिल्कुल उतनी ही चीनी। तो अब सूजी में कलर डालने के बाद हमने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चीनी के साथ घी और सूजी को चला दीजिए, इससे थोड़ा सा ना दानेदार हो जाता है हलवा। आप कई लोग चाशनी बनाकर भी डालते हैं, आप चाशनी बनाकर भी डाल सकते हैं चीनी के साथ इसके, पर इस तरह से करेंगे ना तो एक अच्छा दानेदार सा हलवा बनेगा, जिसमें अच्छी महक भी, थोड़ा सा कैरामलाइज हो जाती है शुगर पर। हाँ, चलाते रहना है हमें यहाँ पर। बस 1 से 2 मिनट हमने चलाया और उसके बाद हम यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हैं। पानी का नाप क्या रहेगा, जितनी हमने सूजी ली है उसका 4 गुना पानी, ठीक है। तो हलवे में हमारे मेन 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सूजी, घी, चीनी और पानी। सूजी, घी, चीनी, हम ये तीनों चीज़ें लेंगे एक ही नाप की, यानी कि तीनों हमने आधी कटोरी ली है, और पानी हम लोग लेंगे 4 गुना, जितना भी आप सूजी ले रहे हैं उसका 4 गुना पानी। यहाँ पर मैंने आधी मोटी इलायची को भी थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है। सूजी के हलवे में मोटी इलायची अच्छी लगती है, आप चाहें तो हरी इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं मोटी इलायची इस्तेमाल करती हूँ, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। पानी डालने के बाद आप थोड़ा सा फ्लेम हाई करके अच्छे से उसको चला दीजिए। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि हमारा हलवा जो है थिक हो जाएगा। तो लगातार चलाते रहिए, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे इसमें और हमारा हलवा जो है थिक हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स की जो हमने फ्राई किए थे उसके साथ ही थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा
ग्रेट किया हुआ या कद्दूकस किया हुआ नारियल। नारियल भी बहुत स्वाद लगता है हलवे में, सूजी के हलवे में खास करके। और अब अच्छे से चला देते हैं इसको। और अब हम यहाँ पर हलवे को बिल्कुल सिम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक करके इसको छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। और 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि सूजी ने जो है थोड़ा सा घी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं हलवे के किनारों पर, कढ़ाई के किनारों पर हमें घी दिख रहा है। एक बार चला देंगे इसको, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम एक बार फिर इसको 1 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे, जिससे कि थोड़ा सा घी और अलग हो जाए। तो इस तरह से सूजी का हलवा बना करके देखिएगा। अगर आपकी पहली रसोई है, आप पहली रसोई के लिए हलवा बना रहे हैं, तो इसको बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नाप भी मैंने आपको बिल्कुल सही बता दिया है और बहुत फटाफट एकदम जल्दी बन जाएगा ये हलवा और बहुत ही स्वाद लगेगा सबको। और हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। बहुत बेसिक रेसिपीज़ मैं लेकर आने वाली हूँ। अगर आपकी नई शादी होने वाली है तो आप देखते रहिएगा चैनल पर, आपके लिए वो वीडियोस बहुत काम आएंगी। तो आप देख सकते हैं, अब 1 मिनट हमने और भून लिया हलवे को। एक बार फिर साइड में घी अच्छे से आ गया है और हलवा हमारा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो गया है, जो कि सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, बिल्कुल मूंग की दाल के हलवे जैसा टेक्सचर आता है इसका, और बहुत ही बढ़िया बनता है ऐसे हलवा। आप जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और आगे आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे फ्राई किए हुए, उनको ऊपर से गार्निश कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है हमारा हलवा बन करके। तो जल्दी से अपने घर में ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक नई सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें अगर आपकी नई शादी हुई है या होने वाली है तो आपको बहुत बेसिक पर बिल्कुल सही नाप के साथ वहाँ पर रेसिपीज़ मिलेंगी, जिससे कि अगर आपको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुकिंग करने में।